इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चों को कौन कौन सी वैक्सीन किस एज में दी जाती है। वैक्सीन यानी टीका। ये टीका बहुत ही जरूरी होता है जो हमें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज मतलब कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है जिस जो डिजीज वैक्सीन से रोके जा सकते हैं उससे आपके बच्चों को रक्षण देता है। तो ये वीडियो आप सबके लिए भी यूजफुल है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स MBBS BAMS BHMS GNM ANM BSc नर्सिंग CCC यानी कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ ये सब जो मेडिकल और पैरामेडिकल की ब्रांचेस है उसमें अभी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। उनके हर सब्जेक्ट में ये वैक्सीनेशन का रोल कहीं ना कहीं आता है और उनकी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है। सबसे पहले एट बर्थ यानी जन्म के बाद तीन वैक्सीन दी जाती है BCG OPV का जीरो डोज और हिपेटाइटिस बी का बर्थ डोज। BCG वैक्सीन बच्चों को चाइल्डहुड ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब जो चाइल्ड एज में होने वाले टीबी के सामने प्रोटेक्शन देती है। उसके अलावा ओपीवी का जीरो डोज ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन वो पोलियो से प्रोटेक्शन देती है। और उसके अलावा यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई हो जो होती है 99% और उससे भी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी कि हॉस्पिटल डिलीवरी होती है तो उसमें जन्म के 24 आवर के दौरान उसके अंदर के पीरियड में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है। फिर बच्चों को डेढ़ महीने की उम्र 1.5 मंथ की एज में जो दी जाने वाली वैक्सीन है उसमें पेंटावेलेंट सबसे पहले तो पेंटावेलेंट माने पांच वैक्सीन उसमें एक साथ आती है जिसमें डिप्थेरिया पर्टोसिस टिटेनस हेपेटाइटिस बी और एच इन्फ्लुएंजा भी ये पांच तरह की बीमारियों के सामने बच्चों को प्रोटेक्शन देती है। तो डेढ़ महीने की एज में ये पेंटावेलेंट वैक्सीन उसके साथ साथ ओपीवी का फर्स्ट डोज उसके साथ साथ फ्रैक्शनल आईपीवी का फर्स्ट डोज और रोटावायरस का फर्स्ट डोज देते हैं। ये फ्रैक्शनल आईपीवी वैक्सीन भी ओपीवी की तरह पोलियो में के सामने प्रोटेक्शन देती है। आप जानते हैं जैसे कि पोलियो की बीमारी तो इंडिया में से एलिमिनेट हो चुकी है फिर भी पोलियो का कोई नया केस ना हो इसके लिए बच्चों को ये पोलियो की वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद बारी आती है 2.5 मंथ यानी कि ढाई महीने के बच्चों को पेंटावेलेंट का सेकंड डोज पेंटावेलेंट ने देखा कि पांच वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है जो एक साथ दिया जाता है उसके अलावा ओपीवी का सेकंड डोज और उसके अलावा रोटावायरस का सेकंड डोज दिया जाता है। फिर 3.5 मंथ 3.5 महीने की एज में बच्चे को पेंटावेलेंट का थर्ड डोज ओपीवी का थर्ड डोज और उसके साथ साथ रोटावायरस का थर्ड डोज और अभी फ्रैक्शनल आईपीवी का सेकंड डोज लगेगा। तो 3.5 महीने तक ये सब वैक्सीनेशन होता है। फिर बच्चे की 9 मंथ की एज जब बच्चा 9 महीने का होता है तब बच्चे को मिजल्स रूबेला वैक्सीन उसका फर्स्ट डोज दिया जाता है उसके साथ साथ विटामिन ए का डोज भी जो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है वो बच्चों को दिया जाता है। मिजल्स रूबेला वैक्सीन है वो मिजल्स के सामने और रूबेला के सामने प्रोटेक्शन देती है। अभी आगे की एज में 1 ईयर के बाद विटामिन ए 5 साल तक हर 6 महीने जनरली वो फेब्रुआरी और अगस्त में बच्चों को 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का डोज दिया जाता है। ये आप सोचेंगे कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट है तो ये कितना ज्यादा होगा पर ये इंटरनेशनल यूनिट को यदि हम ml में देखेंगे तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 1 ml और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 2 ml ये डोज उसमें दिया जाता है। फिर 16 to 24 मंथ के दौरान जनरली वो जो वैक्सीन देते हैं वो 1.5 साल की एज में देते हैं उसमें मिजल्स रूबेला का सेकंड डोज उसके अलावा DPT का बूस्टर डोज फर्स्ट और उसके साथ साथ ओपीवी का बूस्टर डोज फर्स्ट दिया जाता है। ये जो बूस्टर डोज होता है वो एडिशनल प्रोटेक्शन बच्चों को ये जो बीमारियों के सामने दिलाता है। उसके साथ साथ विटामिन ए हर 6 महीने 5 साल की एज में तो दिया ही जाता है। उसके बाद बच्चे को 5 साल की एज में DPT का सेकंड बूस्टर डोज आता है। फिर बारी आती है
10 साल के एज में, 10 साल और 16 इयर्स, 10 ईयर और 16 ईयर के एज में टीडी यानी कि टिटेनस डिप्थेरिया वैक्सीन का फर्स्ट डोज 10 साल के एज में दिया जाता है और 16 साल के एज में टिटेनस डिप्थेरिया का सेकंड डोज दिया जाता है। ये सब वैक्सीन हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में जब ममता दिवस होता है तब, हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, आयुष्मान भारत सेंटर है, उसमें भी ममता दिवस होता है तब, ये सब वैक्सीन पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और आपके बच्चे को ये सब वैक्सीन, ये सब टीकाकरण कराना बहुत ही जरूरी है ताकि इस बच्चे, इस बीमारियों के सामने बच्चे को प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिल सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और नीचे जो बेल आइकॉन है उस बेल आइकॉन को भी